आप सबको मेरा प्रणाम। कुंडलिनी जागरण सीरीज में हम बात करेंगे मणिपुर चक्र पर। मणिपुर चक्र कहाँ स्थित है और इसके जागृत होने से आपके जीवन में क्या परिवर्तन आ सकता है, इसका लाभ आप कैसे ले सकते हैं। मणिपुर चक्र को यदि हम देखते हैं तो मणिपुर चक्र हमारे नाभि का स्थान है। नाभि हमारे शरीर का केंद्र है और इसके नाम से ही आप समझ सकते हैं कि मणिपुर चक्र ये हमारे मन को नियंत्रण में करने का एक ऊर्जा है, एक शक्ति है। यदि मणिपुर चक्र को आपने कंट्रोल कर लिया, इसको जागृत कर लिया, तो आप अपने मन पर विजय प्राप्त कर सकते हो और मन आपको विश्व विजेता बना सकता है। तो ये चक्र बहुत महत्वपूर्ण है। मणिपुर चक्र ये आपके संपूर्ण जीवन को कंट्रोल करता है, आपके विल पावर को बढ़ाता है। जो लोग नकारात्मक विचारधारा रखते हैं, कई बार कुछ काम शुरू करने से पहले उनको घबराहट होने लगती है, तो आप अपने मणिपुर चक्र को जागृत करें, अपने नाभि पर ध्यान को केंद्रित करें। दूसरा, मणिपुर चक्र के जागृत होने से आपके शरीर में कुछ अद्भुत शक्तियाँ स्वतः ही जागृत हो जाती हैं। कुछ आपकी सोचने समझने की शक्ति बढ़ती है। मणिपुर चक्र बहुत विशेष चक्र है और ये स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र से संबंध रखता है। आपस में शरीर के अंदर कुछ विशेष चक्र बहुत गहरे संबंध में कनेक्टेड रहते हैं। कुछ प्रत्यक्ष रूप से और कुछ परोक्ष रूप से ऊर्जाओं का एक तालमेल होता है। तो मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र और मणिपुर चक्र, इन तीनों का एक तालमेल रहता है। तो मणिपुर चक्र को जागृत करने के लिए भी आप बहुत सरल सी विधि है, ओम का उच्चारण करें। ओम में अ की ध्वनि को अधिक लंबा करें। ओम हमारे वेदों का महान मंत्र है और अ इसका बीज मंत्र है। तो अ की ध्वनि को आप जब लंबा, उसकी वाइब्रेशन को अपने नाभि पर फील करेंगे तो आपका मणिपुर चक्र की शक्ति जागृत होने लगती है। चक्रों की शक्ति आपके शरीर में काम करती रहती है, तभी आप जीवन को जीते रहते हैं। जब तक चक्र शक्ति काम कर रही है आप जीवित हैं, लेकिन योग में कुछ विशेष साधनाओं के द्वारा इन शक्तियों को बढ़ाया जा सकता है और आप मानव से महामानव बन सकते हैं। आप उस परम शक्ति से प्राप्त कर सकते हैं, उस परम परमात्मा से जुड़ सकते हैं और अपने आप को साधन से असाधारण बना सकते हैं। आप बड़े से बड़े कार्य को बहुत सामान्य स्थिति में कर सकते हैं, यदि आपके भीतर योग की शक्ति जागृत हो जाती है। तो मणिपुर शक्ति को जागृत करें और अपने आप को उस परम से जोड़ें। इस शक्ति को मूलाधार चक्र से सहस्रार तक ले जाने का परम लक्ष्य ही मोक्ष की प्राप्ति है। तो आप सभी प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। ऐसे ही कुछ और अगले चक्र पर हम बात करेंगे अगली वीडियो में। आप सबके लिए बहुत शुभकामना। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।